सो दोस्तों, फाइनली मारुति सुजुकी ने अपने सबसे एक्सपेंसिव एमपीवी को इंडियन मार्केट पर टीज कर दिया और सबसे कमाल की बात, टीज के साथ साथ इसका की बुकिंग भी चालू कर दी। और गाइस, यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप इसका को बुक करने के लिए जा रहे तो भाई कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज भाई आप लाइफ टाइम पछताओगे जब तक ये कार आपके पास रहने वाली है। क्योंकि गाइस, सेम कार भाई टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस के नाम से इंडियन मार्केट पर उतारा है और डेफिनेटली वो कार बिक भी रही है और काफी कमाल की भी रहने वाली। तो भाई चीजों का ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस कार को 5 जुलाई को फाइनली लॉन्च किया जा रहा है और उसी वक्त आपको भाई प्राइस भी क्लियरली मालूम चल जाएगी। लेकिन गाइस, जो प्राइस है ना, वो तकरीबन आपको टोयोटा के हाई क्रॉस के आसपास ही रहने वाली है। क्योंकि गाइस, ऑलमोस्ट जो कार है वो बिल्कुल सेम है, जो आप सब लोग यहां पर देख भी सकते हैं। कुछ लाइव फुटेज भी निकल कर आई है, कुछ फुटेज जो है वो भाई इसके टीजर से निकल कर आई है और बाकी गाइस फुटेज है वो इसके टेस्टिंग यूनिट का। तो गाइस, कुल मिलाकर जो कार है वो काफी ज्यादा लाजवाब, काफी कमाल की और काफी एक्सपेंसिव के साथ साथ काफी कमाल के रहने वाली, जो आपको भाई कंफर्ट, कन्वीनियंस, फीचर हर एक मामले में भाई कहीं भी आपको निराश नहीं करने वाली है। इस कार की अगर इंजन की बात करें तो गाइस, यहां पर आप सब लोगों को जो 2 लीटर की पेट्रोल थी ना, उसको आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, मारुति सुजुकी ने 2 लीटर की जो नेचुरल पेट्रोल थी उसको भाई हटा दिया है, लेकिन हाँ, इसके साथ में डाला है भाई 2 लीटर की एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको भाई सेम वही इंजन मिलती है और 186 पीएस की पावर और 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो आपको तकरीबन 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, वो भी बाय स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले सिस्टम के साथ में। इसके साथ में आपको केवल एक ही ईसीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको यहां पर मैनुअल नहीं मिलेगा और नेचुरल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये कार काफी कमा के रहने वाली, लेकिन जो आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे वो काफी कम मिलने वाले हैं। इसके साथ में मारुति सुजुकी ने कंफर्म कर दिया कि इस कार को नेक्सा की तरफ से बेचा जाएगा, तो अरेना पर आपको ये कार नहीं मिलने वाली है। इसके साथ में जो चीजें टीजर पर और लाइव फुटेज पर सामने निकल कर आई है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं गाइस, इसका की जो फ्रंट की ग्रिल है उस पर एक क्रोम लाइनिंग दिया गया, जो काफी ज्यादा कमाल की हो भाई, इनोवा हाई क्रॉस से इसको बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन केवल फ्रंट की जो डिजाइन है ना, बस उस डिजाइन से ही, बाकी जो हेडलाइट का सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। और भाई पीछे की तरफ आप देखें तो गाइस, काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले में। मतलब काफी कमाल की जो कार है वो उसको बना दिया गया है। इसके साथ में अगर कुल मिलाकर बात करें भाई, डेफिनेटली ये रीबेज्ड है, यानी कि भाई मारुति सुजुकी ने रीबेजिंग की है टोयोटा की हाई क्रॉस की के साथ में। तो गाइस, इस पर आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कर देना कि गाइस, इस बार जो मारुति सुजुकी ने कॉपी किया है टोयोटा का, इस पर कुछ तो 2 लाइनें कहना बनता है ना। और इसके साथ में कुछ कन्वीनियंस, फीचर, डायमेंशन की किसी और चीज़ की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो गैस वो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले बिल्कुल सेम रहने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया। तो गैस, उसका लिंक भी आप सब लोगों को ऊपर राइट बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। आपको दोस्तों मारुति सुजुकी की ये इनविक्टो नाम कैसा लगा और ये कार कैसे लगी, बाकी इसके हिसाब से आप टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस के साथ में जाना पसंद करेंगे या फिर इस मारुति सुजुकी के साथ में, दोनों में से किसको चूज करेंगे नीचे कमेंट कर देना। अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कमाल के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।